महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशों में जहां ब्रेस्ट कैंसर से बचने वालों की संख्या 70% तक है, वहीं जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में इससे मरने वालों का प्रतिशत 70 है। इसका एक बड़ा व मुख्य कारण है कि लास्ट स्टेज पर इसका पता लगना, समय रहते इसका पता लगना व उचित इलाज के जरिए ही ब्रेस्ट कैंसर से मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। आज मेरठ कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को सजग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस मौके पर फर्स्ट बाइट संवाददाता निलोफर अंसारी ने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग मित्तल से इस बारे में विस्तार से बात की, देखिए। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आज हम मौजूद हैं मेरठ कैंसर हॉस्पिटल, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर एक प्रोग्राम चलाया गया, और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमंग मित्तल। सो डॉक्टर उमंग मित्तल, आपका फर्स्ट बाइट टीम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर उमंग, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था, मेन मोटिव क्या था इसका? देखिए, कैंसर, सब तरह के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें उनको मालूम है कि मोर्टेलिटी बहुत हाई है। ब्रेस्ट कैंसर खासतौर पर इस समय इंडिया में भी और पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंसर कॉमन होने के बावजूद बाहर हम बात करें तो 100 में से 85 मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम इंडिया की बात करें तो 100 में से 25 मरीज ठीक होते हैं, 65-70 की डेथ हो जाती है। तो ये इसका बेसिक वजह अवेयरनेस की कमी है। बाहर लोग अवेयर हैं, समय समय पर चेकअप कराते रहते हैं, शुरुआत में इलाज करा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ 70-80% मरीज स्टेज 3rd-4th में आते हैं, इसलिए ठीक नहीं। तो क्या रीज़न है ऐसा इंडिया में कि लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है या फिर हमें कैंसर है? देखिए, ऐसा है कि कैंसर में, किसी भी कैंसर में अक्सर शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और इसीलिए जो इसका अर्ली डिटेक्शन का तरीका होता है वो ये होता है कि 40 साल की उम्र के बाद में जो नॉर्मल इंडिविजुअल कोई परेशानी नहीं है वो अपना एनुअली चेकअप कराता रहे। ब्रेस्ट क्योंकि बहुत कॉमन है तो उसके लिए जो एडवाइस किया जाता है वो ये है कि साल में एक बार मैमोग्राफी कराई जाए, 40 साल की उम्र के बाद में हम डॉक्टर के पास जाके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, और हर महीने खुद महीने के 4-5 दिन के बाद में ब्रेस्ट हेल्थ एग्जामिनेशन करें। क्या रीज़न है कि फीमेल में ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर, मेल के एज़? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई ब्रेस्ट डेफिनेटली फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, उसमें फैट टिश्यू ज़्यादा होता है, उसमें ग्लैंड ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में होता है क्योंकि प्रोस्टेट ज़्यादा मेल में ही होता है, फीमेल्स में नहीं होता है, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। लेकिन जो बढ़ता जा रहा है, मतलब आपको बताऊँ, 2011 में नंबर 2 पे था ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में, इस समय नंबर 1 पे है, और उस समय सर्वाइकल कैंसर जो था वो नंबर 1 पे था, अब उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में इतना क्यों बढ़ गया है पिछले 15 साल में? उसकी रीज़न ये है अर्बनाइजेशन। इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो ये है कि अगर हमारे बच्चे नहीं होते हैं या बहुत लेट बच्चे होते हैं, इसमें 30 साल की उम्र के बाद में हो रहे हैं, जो बहुत कॉमन होता जा रहा है आज की तारीख में, तो मुझे कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। दूसरा, अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में कि मेंसेस बहुत जल्दी चालू हो रही है, 8-9 साल चालू हो जाती है, 45-55 साल का बच्चा खत्म होती है, तो जब लंबी मेंसेस होती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी वजह जो एक बचाव वाली की वजह है वो ये है कि अल्कोहल, 10 ml अल्कोहल भी अगर कोई लेडी रोज पीती है तो उसे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तंबाकू, पेस्टिसाइड्स, हर चीज़ पेस्टिसाइड्स हैं, उनसे कैंसर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने बताया था कि हर तरह की, हर कलर की सब्जी खानी चाहिए, तो क्या रीज़न है, क्या फ़ायदे हैं इसके, हर तरह की सब्जी हम खाएं? देखिए, जो स्टडीज़ हुई हैं उसके हिसाब से देखा गया जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर को बचाव करती हैं। वो कैसे करती हैं? उनमें कुछ तत्व होते हैं, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हमारा जो कैंसर बनते हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं सेल्स, तो उसके रिएक्शन निकलते हैं उससे होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये उस बॉडी को डैमेज से रोकते हैं। हर रंग की सब्जी और फल में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और हर उस एंटीऑक्सीडेंट का अलग हमारे शरीर के अलग तत्व पे असर होता है। तो कम से कम 5 से 6 रंग के फल और सब्जी हम खाते हैं तो अधिकतर कैंसर के अंदर हमें बचाव के चांसेस। अच्छा, ऐसा भी होता है, बोला जाता है कि हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, ऐसा भी कुछ है?
हरी सब्जियां भी, हरी सब्जियां इज अ जनरल वर्ड फॉर वेजिटेबल्स। जब हरी सब्जी बोलते हैं तो वेजिटेबल्स के लिए बोलते हैं, उसमें सभी सब्जियां हैं। आपको हरी भी खानी है, आपको पर्पल भी खानी है, आपको लाल भी खानी है, इस सब मिला के खानी है। हरी सब्जियां इसलिए बोलते हैं कि हरी सब्जियों में विटामिन्स वगैरह काफ़ी होते हैं अपना, तो विटामिन्स आपको मिल जाते हैं। और कलरफुल सब्जियां कई बार महंगी बहुत होती हैं हर जगह, इंडिया में तो अब जाके मिलने लगी हुई हैं, मतलब पहले कहाँ मिलती थी ज़्यादा कलरफुल सब्जियाँ। सो कौन सी एज में संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेस्ट कैंसर की? मैक्सिमम चांसेस हम ब्रेस्ट की बात करें तो वहाँ अक्सर 60 साल की उम्र के बाद होती हैं, इंडिया में 45 ईयर्स के बाद होती हैं। हमारे यहाँ यंगर पेशेंट ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर। और आपने बोला था कि ये जेनेटिक भी होता है, अगर जेनेटिक है तो किस एज में किसी लड़की को हो सकता है ये? देखो जेनेटिक कैंसर 15 साल, मेरी इस समय यंगर पेशेंट 15 साल की लड़की है। 15 साल की लड़की में ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर विच इज, क्योंकि उसकी मदर को था, उसकी मौसी को था, शी गॉट इट 15 ईयर्स। अदरवाइज मोर चांसेस ये होते हैं जो हम बात करते हैं कि जिस एज पे उसके पेरेंट्स को हुआ, जिसको हुआ उससे 10 से 15 साल पहले चांसेस हैं उसको हो सकता है। अच्छा, ये नानी से ज्यादा फैलता है, ये दादी दादा दादी? नानी, ये ज्यादातर नानी, जो नानी मौसी मदर ज्यादातर उसमें उसमें ज्यादा फैलता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा होता है अपना, तो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मली आपका उसमें। अच्छा, आप अभी तक कितने ब्रेस्ट कैंसर वाली जो फीमेल है उनको ठीक कर चुके हैं, ट्रीटमेंट? देखिए मैं समझता हूँ मेरे ऑलमोस्ट मेरे जो रिजल्ट्स हैं 60-70% पेशेंट्स मेरे ठीक हैं। एंड अगर मैं कहूँ कि मैंने कम से कम आपके जो जिनको देखो जो पेशेंट आए बाद में एडवांस्ड है, मैं उनको तो ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो थर्ड स्टेज तक भी आ गए हैं उसको मिला के जिनको जिनको ऑपरेशन मैंने किया है, करीब करीब मैं 3-4 हज़ार का ऑपरेशन कर चुका हूँ, और उसमें करीब करीब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट ठीक है। अच्छा, वो ठीक हो जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आती होगी, कैसे प्रतिक्रिया आती है उनकी और आपको क्या फीलिंग आती है उस दौरान? देखिए अभी आपके साथ जो लोग बैठे हुए थे आपने देखा था, हमने ग्रुप बना रखा है कैंसर सर्वाइवर्स का, उसका नाम है उम्मीद, और वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, खुशी होती है उनको देख के अपना। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो नए पेशेंट्स हैं उनको वो अवेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, कैंसर भी सिर्फ एक बीमारी है। और जब एक ऐसा इंसान बोलता है जिसे कैंसर हो चुका है तो वो मरीज उसको जल्दी अच्छे समझता है। उसके अलावा जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं हमारे साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए कई कामों में जाते हैं, अलग जगह जाते हैं जहाँ हम टॉक देते हैं और उन लोगों की बात कराते हैं, तो डेफिनेटली जो पर्पज़ है कि कैंसर से लोगों को जल्दी निजात मिले, बचाव हो, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, कैसे हम पहले से अवेयर हो सकते हैं कैंसर को लेकर? देखिए हमको ये समझना है कैंसर किसी को भी हो सकता है, इनफैक्ट कोई एज इसके लिए वो नहीं है, कुछ कैंसर्स में भाई जो यंग बच्चा पैदा होता है उसको भी कई बार कैंसर हो सकता है, पैदा के साथ कैंसर हो। ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं होता है, पर हमको समझना है कि कैंसर कभी भी हो सकता है, इसलिए ये समझना है कि मुझे नहीं हो सकता वो नहीं सोचना है। 40 साल की उम्र के बाद तो हर इंसान को साल में एक बार चेकअप्स करना ही करना है। अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो 20 साल की उम्र के बाद में हमको उसका ध्यान रखना है। 20 साल की उम्र के बाद अपने खुद बेस एग्जामिनेशन करनी है, हर 3 साल में डॉक्टर को दिखाना है, और अगर हाई हिस्ट्री है तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट भी कराते रहना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ये हो सकता है कि हमको नया मालूम चल जाए। प्लस जो बचाव वाली चीज़ें हैं कि एक्सरसाइज करते रहें, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, रेड मीट अवॉइड करें, अल्कोहल नहीं लें, कोशिश करें कि 20-30 साल की उम्र तक हमारे बच्चे हो जाएँ एक दो अपना, और हमारा वजन नहीं बढ़े, इनका ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमंग, अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।